शिवाजी शाहू छत्रपति खासदार राज्यसभा जो शिवाजी महाराज के वंशज भी है उनका मैसेज ऐसे है भारत जपान या दोन्ही देशांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांना 70 वर्ष पूर्ण होत आहेत या निमित्ताने भारत कल्चरल सोसायटी जपानतर्फे प्रथमच शिवजयंती उत्सव साजरा करण्याचा निश्चय केला आहे आपण सर्व मिळून भारतीय संस्कृतीची पताका जपान येथे फडकवत आहात ही खरोखरच अभिमानास्पद गोष्ट आहे आपण जपान येथे प्रथमच साजरा करत असलेल्या शिवजयंती उत्सवास माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा भारत कल्चरल सोसायटी जपानच्या भविष्यातील कारकिर्दीस हार्दिक शुभकामना संभाजी छत्रपती भारत कल्चरल सोसाइटी जापान के तत्व ICCR प्रेसिडेंट ऑफ ICCR डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धि जी प्रावधान में है शायद पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती सुदूर जापान में टोक्यो में मनाई जा रही है ये बहुत प्रसन्नता का विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा या शासक नहीं थे तो शासन के संदर्भ में उच्च मूल्य पर आधारित कुछ मानक प्रस्थापित करने वाले एक जननायक थे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज था उसमें सामाजिक न्याय भी था समता और समरसता भी थी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता का विषय भी था और सबसे महत्वपूर्ण है कि शासक ने राजा ने शासन तंत्र कैसे चलाया जाना चाहिए उसके द्वारा उसके माध्यम से इसके बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उच्च आदर्श प्रस्थापित किए आज जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयकार करते हैं तो उन आदर्शों की जयकार करते हैं उन मूल्यों की जयकार करते हैं जो आज भी हम सभी के लिए पथदर्शी है मार्गदर्शक है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जन्म जयंती टोक्यो में मनाया जाना ये बहुत हर्ष का विषय है और इस आयोजन में जिन जिन का सहभाग रहा है मुख्य रूप में भारत कल्चरल सोसाइटी जापान इंडियन कल्चरल सेंटर के हमारे स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के वहाँ के सारे पदाधिकारी और जो भारत का राजदूतावास है उनके सारे लोग इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम को भी मेरी दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ It's really encouraging to receive such a tremendous support. We at Bharat Cultural Society are looking forward to receiving your August presence and support for our all future activities. Thank you. Please enjoy the rest of the show in the evening.